हाई एवरी वन एंड वेलकम बैक टू माई वन मोर इंटरेस्टिंग वीडियो। ग्लोबली बहुत सारे स्मार्टफोन यूज़र है जो रेडमी नोट 12 सीरीज़ का लॉन्च होने का इंतजार तो बहुत बेसब्री से कर रहे हैं, बट उधर दूसरी तरफ लीक्स और रूमर्स की माने तो रेडमी नोट 13 प्रो मैक्स के रिगार्डिंग बहुत सारे स्पेसिफिकेशन आउट होना स्टार्ट हो चुके हैं। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ रेडमी नोट 13 प्रो मैक्स के एक्सपेक्टेड स्पेसिफिकेशन और प्राइसिंग के बारे में। तो जानने के लिए वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। चलिए पहले बात करते हैं इसके कैमरा के बारे में। तो जैसा कि आप लोगों को याद ही होगा कि Redmi ने ही हमें फर्स्ट टाइम बजट के अंदर 108 मेगापिक्सल का कैमरा सेंसर प्रोवाइड कराया था। इस बार भी Redmi कुछ ऐसा ही करने वाला है, क्योंकि लीक्स की माने तो इस बार Redmi Samsung का 200 मेगापिक्सल का फ्लैगशिप कैमरा सेंसर देने वाला है, वो भी कम से कम प्राइस के अंदर, जिसमें आपको प्रो लेवल के कैमरा क्वालिटी मिलने वाले जो डिटेल और डायनेमिक रेंज को काफ़ी अच्छे से कैप्चर कर लेता है, जिसमें आप 4K अल्ट्रा 60fps पर वीडियो भी रिकॉर्डिंग कर पाओगे और 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा और 2 मेगापिक्सल का मैक्रो कैमरा भी मिलने वाला है और फ्रंट आपको स्मॉल पंच होल में 16 मेगापिक्सल की सेल्फी शूटर भी दी जाने वाली है। कैमरा वैसे ये फ़ोन बेस्ट होने वाला है, जिसपे आप नो डाउट कमाल के पिक्चर्स और वीडियोस ले पाओगे। चलिए अब बात करते हैं इसके बैटरी के बारे में। तो आपको इसमें 5000 mAh की बैटरी दी जा सकती है और इन द बॉक्स आपको 120 वॉट का वेरी फास्ट चार्जर भी मिलने वाला है, जो इस डिवाइस को 20 से 25 मिनट के अंदर फुल चार्ज कर देगा। चलिए अब बात करते हैं इसके चिपसेट के बारे में। तो इसमें आपको क्वालकॉम का लेटेस्ट पावरफुल चिपसेट स्नैपड्रैगन 7th Gen 1 का गेमिंग चिपसेट मिलने वाला है और ये चिपसेट 5 nm पर बेस्ड है और इसका एंथेटी स्कोर 6 लाख के ऊपर देखने को मिल जाता है। ये चिपसेट बहुत ही कैपेबल होने वाला है, जिसपे आप हाई ग्राफिक्स पे कोई भी गेम लैग फ्री लंबे देर तक खेल पाओगे वेरी स्मूथली। चलिए अब बात करते हैं इसके डिस्प्ले के बारे में। तो इसमें आपको 6.67 inches की 10 बिट्स वाली सुपर एमोलेड डिस्प्ले मिलने वाले विद 144Hz फास्ट रिफ्रेश रेट के साथ और 360Hz का टच सैम्पलिंग रेट भी मिलने वाला है और आपको इसमें गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन भी मिलने वाली और 1200 nits की पीक ब्राइटनेस भी मिलने वाली है। डिस्प्ले वैसे ये फ़ोन बेस्ट होने वाला है, क्योंकि आपको इसमें 10 बिट्स वाली एमोलेड डिस्प्ले मिलने वाली है, जिसमें कलर काफ़ी ब्राइट आते हैं। आई डोंट थिंक सो कि मल्टीमीडिया लवर्स को इसके डिस्प्ले से ज़रा सा भी कोई इशू होने वाला है। चलिए अब बात करते हैं इसके कुछ एडिशनल फीचर्स के बारे में। तो इस फ़ोन में भी आपको डुअल स्टेडियो स्पीकर मिलने वाला है और 3.5mm का ऑडियो जैक और IP54 की रेटिंग भी मिलने वाली है और आपको इस बार इसमें इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर भी मिलने वाला है, जो काफ़ी अच्छी बात हो जाती है और आपको इसमें IR ब्लास्टर भी मिलने वाला है। ओवरऑल देखा जाए तो इस फ़ोन में आपको स्पेसिफिकेशन नेक्स्ट लेवल की मिलने वाली है, जो काफ़ी अच्छी बात हो जाती है।